अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के हवाले से हम ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल से बना चुके हैं। आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में हमने पीसफुल मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कोर्सिव मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, अगर डिस्प्यूट्स पीसफुल मींस से सेटल नहीं होते तो कोर्सिव मींस का इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, कोर्सिव मींस में एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर प्रेशर डालती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को फोर्स करती है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। नाजरीन, फोर्सफुल या कंपल्सिव का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया जाए। कुछ केसेस में आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में विदाउट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दूसरी स्टेट को फोर्स करके उसे प्रेशराइज किया जाता है। कोर्सिव या फोर्सफुल मीन्स में कुछ मेथड्स हैं जिनमें रिटॉर्शन है, रिप्राइजल है, एम्बार्गो है, पैसिफिक ब्लॉकेड है, इंटरवेंशन है और वार है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिटॉर्शन के बारे में। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो रिटॉर्शन का मतलब है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब बदला लेना या जवाबी कार्रवाई करना। तो रिटॉर्शन टिट फॉर टैट के प्रिंसिपल पर बेस करता है, जिसका मतलब है अदले का बदला, यानी बदले में जवाबी कार्रवाई करना, यानी बदले में कोई ना कोई एक्शन लेना। नाजरीन, रिटॉर्शन इंटरनेशनल लॉ में एक लीगल एक्ट है और इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त देता है कि आप रिटॉर्शन के थ्रू अपना कोई भी डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसमें वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को वायलेट ना किया जाए। नाजरीन, रिटॉर्शन के थ्रू आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। आपका जिस स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर सकते हैं, या उस कंट्री के साथ ट्रेड को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर सकते हैं जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकती हैं या ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। नाजरीन, इसका मकसद अगली स्टेट को प्रेशराइज करना होता है ताकि वो डिस्प्यूट को जल्द अज जल्द सेटल कर ले। नाजरीन, रिटॉर्शन में अग्रेसिवनेस आ जाती है। अब हम रिटॉर्शन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नाजरीन, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने साथ इल्हाक किया तो अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रशियन इकॉनमी के अहम डिपार्टमेंट्स और रशियन गवर्नमेंट के करीबी अफराद पर सैंक्शंस इम्पोज की थीं। सैंक्शंस का मकसद यूक्रेन में रूस के इकदामात पर नापसंदीदगी का इजहार करना था। अब हम रिप्राइजल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, रिप्राइजल का मतलब बदला लेना है। नाजरीन, रिटॉर्शन एक लीगल एक्ट है जबकि रिप्राइजल्स में इलीगल एक्ट भी शामिल हो जाते हैं। रिप्राइजल एक ऐसा मेथड है जो हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। इजाज़त तो है लेकिन इलीगल एक्ट है। नाजरीन, रिप्राइजल में एक स्टेट दूसरी स्टेट की गुड्स को बाइकॉट करती है। हम ना ही अपने गुड्स उस स्टेट के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना ही उन लोगों की गुड्स हम लेना चाहते हैं। इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट की प्रॉपर्टी को सीज कर देती है, या एक स्टेट के सिटीजन्स जो दूसरी स्टेट में रहते हैं तो स्टेट्स एक दूसरे के सिटीजन्स पर तशद्दुद करती हैं, या सिटीजन्स को कंट्री से निकाल देती हैं, एक्सपेल कर देती हैं। अब हम रिप्राइजल्स की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ होने वाले इंसिडेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से फायरिंग के तबादले होते रहते हैं, जो कि रिप्राइजल्स की एक एग्जांपल है।
अब हम एम्बार्गो के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, एम्बार्गो बिल्कुल रिप्राइजल्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रिप्राइजल्स में एक स्टेट दूसरी स्टेट पर उसके रॉन्गफुल एक्शंस की बना पर जवाबी कार्रवाई करती है, जबकि एम्बार्गो में एक मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से किसी दूसरे मुल्क पर गुड्स के मखसूस लेन देन की नकल व हरकत पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसमें तमाम ट्रेड को टारगेट किया जाता है, यानी ट्रेड को बैन कर दिया जाता है। इसमें अगर एक स्टेट किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल लॉ वायोलेट करती है या दूसरी स्टेट के खिलाफ कोई क्राइम करती है, तो दूसरी स्टेट को ये राइट मिल जाता है कि वो उस स्टेट के शिप्स को जो उस स्टेट की वाटर की टेरिटरी में है उसको रोक ले। यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट के शिप्स को रोक सकती है जो एक दूसरे की वाटर टेरिटरी में हों। नाजरीन, एम्बार्गो का मकसद दूसरी स्टेट पर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक प्रेशर इम्पोज करना होता है। इसमें दूसरी स्टेट की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्टेट ना ही अपने शिप्स को दूसरी स्टेट में जाने देती है और ना ही दूसरी स्टेट की शिप्स को अपनी पोर्ट्स पर आने देती है। यानी एक स्टेट का दूसरी स्टेट से कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो स्टेट दूसरी स्टेट को अपना सामान नहीं देना चाहती, यानी एम्बार्गो लगा देती है। यानी सामान को पोर्ट्स से जाने ही नहीं दिया जाता। नाजरीन, एम्बार्गो स्टेट की तरफ से भी लगाया जा सकता है और यूएन के अंडर भी लगाया जा सकता है। अगर एम्बार्गो लगाने से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होती तो ये वैलिड है, लेकिन अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो ऐसा एम्बार्गो इलीगल है। अब हम एम्बार्गो की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसमें 1973 और 1974 का ऑयल एम्बार्गो है, जिसमें अक्टूबर 1973 में योम किपुर जंग के रिस्पांस में अरब के तेल पैदा करने वाले ममालिक की तरफ से इसराइल को सपोर्ट करने वाले ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और हॉलैंड के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो का नफाज किया गया। अब हम पैसिफिक ब्लॉकेट के बारे में जानते हैं। नाजरीन, अगर एक स्टेट का दूसरी स्टेट से किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो स्टेट अपने सी पोर्ट्स को दूसरी क्रिमिनल स्टेट के लिए ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। इसमें क्रिमिनल स्टेट के ना ही बहरी जहाज आते हैं और ना ही उनकी कंट्री में जाते हैं। अगर क्रिमिनल स्टेट का कोई भी बहरी जहाज दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको सीज किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्टेट या मुख्तलिफ स्टेट्स मिलकर क्रिमिनल स्टेट के कोस्टल एरियाज पर कब्जा कर लेती हैं और क्रिमिनल स्टेट की पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, और कब्जा करने के बाद किसी दूसरे कंट्री के बहरी जहाज को भी सीज कर लें या उनको रिटर्न कर दें कि इन पोर्ट्स पर हमारा कब्जा है। यानी क्रिमिनल स्टेट की पोर्ट्स की तरफ आने और जाने वाले तमाम शिप्स पर कंट्रोल कर लिया जाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अलाइड फोर्सेस, खास तौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर अलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वार टू के दौरान पैसिफिक ब्लॉकेट कर दिया, जिसका मकसद जापानी सप्लाई लाइंस को कट ऑफ करना था। इस ब्लॉकेट का मकसद जापान का अहम रिसोर्सेज तक रसाई को महदूद करना था, जिससे अलाइड फोर्सेस को फतह हासिल करने में मदद मिली। अब हम इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम जाने तो इसका मतलब है इंटरफेरेंस, यानी मुदाखलत। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेरेंस करे या मुदाखलत करे, या कोई थर्ड स्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मुदाखलत करे, मतलब थर्ड स्टेट दो स्टेट्स में इंटरफेयर करे और इनकी आपस की कम्युनिकेशंस में मुदाखलत करे, इनको थ्रेट करे, इनके अफेयर्स में जाकर मुदाखलत करे कि आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, यानी उनको थ्रेट करना। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि एक स्टेट डायरेक्टली दूसरी स्टेट के मामलात में मुदाखलत करती है, दूसरी स्टेट पर
इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरी स्टेट में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चेंज लाने की गर्ज से। इसको इंटरवेंशन कहा जाता है। इंटरनेशनल लॉ किसी स्टेट की दूसरी स्टेट की सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर इंटरनेशनल लॉ छूट देता है। जैसा कि अगर किसी कंट्री में बड़े पैमाने पर मुजालिम हो रहे हों तो उन मुजालिम को रोकने के लिए इंटरफेरेंस करना या अपने दिफा के लिए। इन सूरतों में कोई एक स्टेट भी इंटरवेंशन कर सकती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरवेंशन कर सकती है। इसकी एग्जाम्पल में 1999 में कोसोवो में नेटो की मदाखलत थी, जहां जेनोसाइड या एथनिक क्लिनजिंग हो रही थी। अब हम वार के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, वार डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का आखिरी हल है। नाजरीन, अगर कोई स्टेट पीसफुल मीन्स से डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करती और कोर्सिव मीन्स के तमाम मेथड से भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करती, तो फिर स्टेट के पास राइट है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दूसरी स्टेट पर वार इम्पोज कर दे। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और यूएन चार्टर की तरफ से वार पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि ड्यूरिंग वार आम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, जख्मी या बीमार फौजियों को प्रोटेक्ट करना है, तो वार की इजाज़त है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखना होगा। नाजरीन, वार की एग्जाम्पल में फॉकलैंड्स वार है, जो 1982 में हुई थी, जिसमें अर्जेंटीना और यूके के दरमियान साउथ अटलांटिक के डिस्प्यूटेड फॉकलैंड आइसलैंड्स पर वार हुई थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।